हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये रात का टाइम है और ये भाप ले रहे थे, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा वीडियो बना लिया था। मैंने बोल रही थी, मैंने कहा भाप ले रहे हो, कंबल सर पे टावल वगैरह तो रखो, तो ये कंबल ले रहे थे तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना लिया। तो भाप ले रहे थे यहाँ पे और मैंने चढ़ा भी रही थी। वैसे वैसे इनके साथ मस्ती करती रहती हूँ ताकि इनका भी ध्यान बटा रहे। वैसे तो तबीयत अब ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और ये है, यहाँ पे हम हॉस्पिटल गए थे अगले दिन, तो वहाँ की है ये फ़ोटो, क्योंकि मुझे भी फीवर हो गया था तो इस वजह से। और ये वही हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल ने मुझे ज़िंदगी दी है। तो अब हम ना इन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं। और अभी मेरा ना गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ भी अजीब सी आ रही होगी। तो बस यहाँ पे हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से अभी दवाई लेके घर ही आ रहे हैं। और ये है आज का, मतलब आज है 18 तारीख का दिन, वो है मॉर्निंग 10 बजे का। बहुत कोहरा लगा था, बहुत ज़्यादा, और पूरा घर मेरा फैला पड़ा था। पता नहीं आज लेट भी नहीं उठी, बट उठ के काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो ये देखो आरव की क्लास चल रही है, हनु गेम लेके बैठा है, कपड़े ऐसी तह मारने के लिए, अलमारी खुली पड़ी है, सब घर ऐसा फैला, किचन फैला हुआ है। और बाहर भी ना मशीन में कपड़े भी लगा रखे हैं इनके सारे, बेडशीट कंबल वगैरह सब मैंने धुल दी थी। तो बस सारा काम फैला पड़ा है, फर्श भी पूरा गीला गीला सा हो रखा है, मतलब बहुत काम फैला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से। मैंने कहा चलो बताती हूँ आप लोगों को घर के हालात कैसे। तो फ्रेंड, सुबह मैंने थोड़ा शूट किया था कि कमरा कैसे बिखरा हुआ है, और तो अभी देखो मतलब सारा काम हो गया है मेरा वैसे, बट कपड़े रह गए हैं तह मारने। ये देखो यहाँ पे डाले हैं कपड़े, तह मारती हूँ क्योंकि एक ना उस आरव के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से पहले मुझे सारा काम छोड़ना पड़ा। सारा मतलब जितना हो गया था उतना छोड़ना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम दिलाने जा रहा था। तो अभी उसका एग्ज़ाम हुआ है और 1 बज गए हैं, और एग्ज़ाम दे के फिर अभी मैं गई थी दूध वगैरह लेने, दूध पनीर और वो आलू प्याज वगैरह, प्याज टमाटर वगैरह लेने, वो लेके आई हूँ। तो मैंने कहा दाल चढ़ा दी है, मैंने कहा कपड़े तह अब मार देती, क्योंकि लाइट थोड़ा सा मौसम खुल गया है। तो कपड़े आज मैंने इनके सारे कपड़े, ये बेडशीट ऐसी क्यों रखी है, बेडशीट, रजाई के कवर, जो कंबल, सब जो कुछ था इनके कपड़े सब धुल दिए, सब छत पे डाले हुए हैं, क्योंकि आज इनका 7वां दिन हो गया है शायद क्वारंटाइन का। तो वैसे तो अभी अलग ही हैं, बट मतलब अब इतना वो लोड नहीं है। चलो बाद में बात करती हूँ आपसे, पहले अपना काम कर। सो हेलो फ्रेंड, अभी आ गई है धूप और बज रहे हैं 3 बज गए हैं और धूप आ गई है, तो मैं अभी छत पे आ गई, खाना पीना सब हो गया। और मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों तक आ रही कि नहीं, गला ख़राब हो रखा है। गला ख़राब क्या, फीवर हो गया था मुझे भी और मेरे बड़े बेटे को भी। तो आज का 3-4 दिन से शायद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, ब्लॉग क्या करा था, बहुत परेशान थे, मौसम भी ऐसे ही था। तो हमने परसों एंटीजन लगाया, मतलब जो वो टेस्ट होता है कोविड वाला, तो मेरा भी हल्का उसमें पॉजिटिव आया, बेटे का भी लगाया तो बेटे का भी पॉजिटिव आया। तो मतलब दिमाग ऐसा हो गया था कि क्या बताया,
तो दिमाग बहुत अजीब सा हो गया था, टेंशन हो जाती है ना, और अभी भी मेरे तरफ आ रहा है। फिर दवाई लाई डॉक्टर से, मैं भी लाई और बच्चे के लिए भी लाए, मतलब उसको ले भी तो नहीं गए थे हम साथ में, बट हम ले के आ रहे थे बोल के डॉक्टर से। तो फिर ठीक है, उसे तो फीवर वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस उसे हल्की फुल्की खांसी हो रही थी, और तो बस उसके बाद फिर कल लगाया शायद, पहले लगाया था, मतलब हस्बैंड का तो लगाए थे एक दिन छोड़ के, तो उनका अभी तक आज भी उनका हल्का हल्का पॉजिटिव है, मतलब वैसे जो उनके RT-PCR वाली रिपोर्ट थी तो उसमें भी क्लियर नहीं आया, हल्का हल्का आया है, तो उस वो ना के बराबर है, मतलब बोल रहे हैं कि वो है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है RT-PCR जो रिपोर्ट आई, तो वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उन्हें। हाँ ये है कि उन्हें लूज मोशन हो गया, तो थोड़ा वीकनेस सी है ऐसी कोई, बट ये है कि अलग हैं वो, अब 7 दिन उन्हें हो जाएंगे आज, तो फिर कल से क्वारंटाइन वाला 7 दिन का वनवास जो था उनका वो ख़त्म हो जाएगा। और तो मेरा कल लगाया तो नेगेटिव आया, आज लगाया नेगेटिव, तो मेरा तो होगी क्योंकि मुझे ना अभी 2 महीने पहले वैक्सीन लगी थी शायद इस वजह से, लेकिन बेटे का अभी भी आ रहा है, कल लगाया था, आज तो नहीं लगाया, कल लगाया था, तो उसका आ रहा है। तो ये भी है कि एंटीजन का कोई वो नहीं रहता है, मतलब उसका मायना मतलब नहीं माना जाता है, एंटीजन आ ही जाता है बोलते हैं। तो 2-3 दिन तो मूड बहुत वैसा रहा, डर मतलब बहुत डर गई थी, और मौसम भी ऐसा था ना बिल्कुल बंद सा हो रखा, तो दिमाग ना मतलब दिमाग भी बंद हो गया था, बातें भी ऐसी ऐसी थी, तो बस यही सब चल रहा है, मतलब ये समझो पूरे। और आज छोटा वाला भी खांसने लगा, तो अब बोल रहे हैं कि जो ये ओमिक्रॉन है तो ये बहुत जल्दी से फैल रहा है, और 3 दिन इसका फीवर है, लेकिन ये कि बच्चों को बुखार तो नहीं है, हन्नू को तो आज थोड़ा थोड़ा खांस रहा है, वो ठंड भी हो रही है एक तो ऐसी ना, ऐसे क्या बोले, पहले भी तो ठंड में बीमार होते ही थे, और लेकिन अब ये हो गया, डर हो गया ना कि बुखार आ रहा है, तो वो ही है, तो बस यही सब है। और कल से तो ऑफिस भी जाएंगे क्योंकि जो इनके RT-PCR रिपोर्ट वैसी आई है तो वो मानी नहीं जाएगी, तो इस वजह से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने 10 दिन का रेस्ट लिखा रखा था डॉक्टर से। और फिर कल जाएंगे, और बस तो फिर कल शायद कल टेस्ट करवाएंगे RT-PCR, वैसे अब करा के क्या फायदा, अब तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हो ही गया है, अब तो ठीक ही है, तो बस यही सब चल रहा है। और बहुत डर गई थी, और सुबह से मैंने शायद शूट भी किया है कुछ, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मॉर्निंग में क्लास, एक तो सुबह लेट ही उठती हूँ क्योंकि ऑफिस वगैरह तो है नहीं, 8:40 से आर की क्लास स्टार्ट होती है तो यही रहता है, फिर क्लास भी स्टार्ट होती है, देख रही हूँ करना लिखना है, क्लास भी स्टार्ट होती है, फिर एग्ज़ाम भी रहता है, हन्नू की क्लास भी रहती है, फिर टाइम से नाश्ता भी देना, मतलब बहुत हौच पौच हो जाती है। और आज तो इनकी रजाई के कवर कंबल सब धुल दिए मैंने, इन्होंने भी नहा के कपड़े चेंज वगैरह कर दिए हैं, तो धुल तो दिए थे, फिर यही था धूप आएगी कि नहीं, बट आ गई थी 2 बजे करीब धूप आ गई थी, तो सूख भी गए हैं कपड़े सारे, कंबल वगैरह सब सूख गए हैं। तो बस यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ, और क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने शूट भी किया सुबह से, तो इतना फैल मैंने शायद शूट के इतना फैला हुआ था, अगर बहुत ज़्यादा पहुँच पहुँच हो रही थी और दिन नहीं रहता, आज ही पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था मेरा काम का, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँगी, कहाँ कपड़े भी 2 दिन सुखाए, कल भी थोड़ा सा आ गए थे आधे घंटे के लिए, तो परसों के धुले हुए थे, तो परसों भी सुखाए, तो वो मैंने अब रखे हैं आज। चलो फिर यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो शायद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मिलूंगी।